अच्छा सर, ये माशाल्लाह सर्वर फाउंडेशन का आपको ख्याल किस तरह है, क्योंकि हमने देखा कि जब सैलाब था, कोविड था, उस दौरान जिस तरह आपने खिदमत की है, माशाल्लाह अल्लाह आपको बरकत दी, लेकिन आपको ये सर्वर फाउंडेशन का बेसिकली ख्याल कैसे है? मैं असल में एक सोशल वर्कर हूँ। ठीक। तो जितने भी हमारे यहाँ से लोग, चाहे वो अबरार उल हक साहब हैं, अपने जनरल जहांदास साहब होते थे, अलशफा ये हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था, शौकत खानम था, या ईदी ट्रस्ट था, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आते थे, तो हम उनके लिए पैसे इकट्ठे करते थे कि हमारे मुल्क से लोग आए हैं, हमारे मुल्क में ये अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करते थे, पैसे इकट्ठे करके देते थे। तो फिर मैं, मेरा ख्याल ये 1999 की बात है कि मैं पाकिस्तान आया और मैं यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर हैं कमालुद्दीन साहब होते थे, उनको मिला। तो उन्होंने मुझे कहा कि चौ साहब, आप बहुत, हमें पता है कि चार्टी का काम करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन ये आपका जो ज़िला है ये सबसे गरीब ज़िला है। मैंने बहुत से अज़ला में सर्व किया है, चूँकि यहाँ का पानी कड़वा है जी, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग इलाज मुआवजा नहीं करा सकते, तो आप यहाँ एक हस्पताल बना दें। ठीक। तो फिर मैंने वहाँ पर सोचा कि ठीक है, फिर मैंने ये 2000 में सर्वर फाउंडेशन की, उस वक्त उसको हम पाकिस्तान फाउंडेशन कहते थे, उसकी बुनियाद रखी, और माशाल्लाह ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और लोगों की दुआएं हैं कि माशाल्लाह हमारा, आप देख लें कि रजाना में जो हॉस्पिटल है जी हाँ, वहाँ पर हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल है, माशाल्लाह फुल होती हैं, क्या बात, तो 50 बेड की वहाँ पर माशाल्लाह हम जो है और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वाह। फिर हमारा चीचावतरी में हॉस्पिटल है, वहाँ भी 100 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ भी 50 बेड की एक्सटेंशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा स्कूल है पीर महल में, माशाल्लाह वहाँ भी हम 1000 से ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, तो अब कैपेसिटी नहीं रही, तो वहाँ भी हम 15-20 क्लासरूम बना रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो और मोर इम्पॉर्टेंटली लाहौर में जी मिराज खालिद साहब ने एक अदारा बनाया था जी, तो वहाँ भी बहुत रेनोवेशन की ज़रूरत थी, नई बिल्डिंग की ज़रूरत थी, तो वहाँ भी हम 100 करोड़ से ज़्यादा के मंसूबे अल्लाह वहाँ पर जो है माशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। वहाँ कॉलेज और स्कूल बना रहे हैं, वहाँ पर हम हस्पताल बना रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, तो ये, और उसके बाद फिर हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, हज़ारों लोगों की आंखों का इलाज जो है करते हैं, क्या बात, फिर पीने के साफ पानी हम 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को डेली पीने का साफ पानी प्रोवाइड करते हैं। फिर चाहे 2005 का जलजला हो, 2010 का फ्लड हो, 2022 का फ्लड हो, तो माशाल्लाह अरबों रुपए का चार्टी वर्क हमने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके जो है वो किया है। और मुझे बड़ा, एक मैं आपको बताऊं कि आई वाज वेरी रिलक्टेंट कि जब मैं कवर था तो उस वक़्त मैंने कंपेन लॉन्च की थी और 20 लाख घरों को हमने राशन पैक उनके घरों में पहुंचाया था। अल्लाह अकबर। तमाम जितने भी प्रिजनर्स हैं उनके लिए सैनिटाइजर्स, उनके लिए मास्क, उनके लिए कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पहुँचाई थी। वहाँ हमने हुनरगा सेंटर्स वहाँ पर उनके बनाए औरतों के लिए, और तकरीबन 30,000 से ज़्यादा ख्वातीन जो हैं, हमारी बेटियाँ जो हैं, हमने उनको सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशन वगैरह के कोर्सेज करवा के उनको कोई जॉब कर रही हैं, कोई बिजनेस कर रही हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट पे हम बहुत ज़्यादा काम जो है वो कर रहे हैं। तो कहना मैं ये चाहता था कि मैं बड़ा रिलक्टेंट था कि हमने 15 अरब रुपए की चार्टी की थी ड्यूरिंग कोविड-19। वाह। तो अब मेरा ख्याल था कि अब मैं गवर्नर नहीं हूँ, अब हम कंपेन लॉन्च करेंगे तो शायद हमें वो सपोर्ट मिलती है कि नहीं मिलती। अल्लाह के फजल व करम से हमें लोगों ने, पहले से भी ज़्यादा बिजनेस कम्यूनिटी ने हमें क्या सपोर्ट किया, और कोई मुल्क में हर जगह पर हमारा राशन पैक, हमारे टेंट्स, हमारी दवाइयाँ, हमारे डॉक्टर, हर जगह पर हमारी माशाल्लाह ये पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उनको ट्रिब्यूट पे करता हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में जिस मेहनत के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस ऑनेस्टी के साथ काम किया है, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस।